कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद इस चीज़ को महसूस होगा और आपको फील होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक अलग प्रकार की इम्प्रूवमेंट होता है, एक अलग प्रकार का एक्सरसाइज से प्रभाव पड़ता है, जिसमें आसनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आसन हर रोज और अपने फिटनेस से संबंधित, अपने एक्सरसाइज से संबंधित, आप बॉडी का कोई भी वर्कआउट आप ले लीजिए, जब तक बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेगा, बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेगा, तब तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं हो सकती है, सेफ नहीं हो सकता है। इसी क्रम में सबसे पहला जो एक्सरसाइजों का जो पिता है और आसनों का जो बाप कहा जाता है वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार जब भी आप करते हैं तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है। इसी क्रम में आगे और भी हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज कौन कौन सी हम करें। डेली 15 से लेकर के 20 मिनट 30 मिनट तक आप वर्कआउट करिए और बिल्कुल रोगों से बिल्कुल मुक्ति पाइए। तो आपको आगे मैं अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो प्लीज नाउ 1 2 पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से आपके पेट का जो पवन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है। इसको अर्ध पवन मुक्तासन बोलते हैं। पूर्ण पवन मुक्तासन इस प्रकार से आप कर लें, फिर इसको छोड़ दें, फिर उठा करके कर लें। शैली से संबंधित कई सारी एक्सरसाइज है, जब भी आप करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी काउंटिंग आप करें। 10 से लेकर के 20 काउंटिंग आप उसका 3 सेट बना लें और हर रोज जब भी आप करते हैं। अब देखिए, ये जो पवन मुक्तासन जो हमने आपको बताया, इससे आपके पेट का जो चर्बी है वो कम होता है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम सही होता है, आपका गैसो प्रॉब्लम सही होता है, आपका गैस बिल्कुल पेट में नहीं बनेगा, पाचन क्रिया खूब अच्छी तरह से बनेगी, आपके पेट के ऑर्गन जितने सारे हैं खूब अच्छी तरह से फंक्शन करना शुरू कर देंगे, पैनक्रियाज की समस्या आपकी सही होगी और आपकी कमर दर्द की भी समस्या सही होगी, बैक पेन, लोअर बैक पेन की जो समस्या होती है, पीठ के अंदर जो दर्द वगैरह होता है, ये सारी समस्या आपकी दूर होगी। इसी क्रम में आपको जो बैक में अगर पेन है तो उसी से संबंधित एक्सरसाइज, और आप एक पैर को आप सीधा कर लें, धीरे धीरे नीचे करें, ऊपर ले आएँ और नीचे की तरफ रख लें। जब भी पैर को आप ऊपर उठाते हैं, उठाने के बाद जब भी आप साइड में लेकर के जाते हैं, हाथों को टच करें और सांस को धीरे 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 इसको छोड़ दें, और आपकी जो गर्दन है वो अपोजिट साइड में। इस काउंटिंग को धीरे धीरे करके आप 10 काउंटिंग इसको आप करें, और 10 काउंटिंग करने के बाद फिर रुकें, और रुकने के बाद फिर से इसको फिर 10 काउंटिंग करें, यानी 10 का आप सेट बना लें, इसको 3 बार करें। आपके कमर की जो भी समस्या है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, यानी कि कमर में जितना भी खिंचाव वगैरह होता है, लोग कहते हैं कि बैक साइड में हमारे गैस हो गया है तो चमक हो गया है, चोर घुस गया है, ये सारा का सारा चोर आपका निकल जाएगा। इसके अलावा दोनों पैरों को आप फोल्ड कर लें, फोल्ड करने के बाद स्पाइनल रोटेशन से संबंधित एक्सरसाइज है जो बैक पेन में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है ये, और सबसे सिंपल आसनों और सिंपल एक्सरसाइज में ये शामिल होता है। धीरे धीरे करके आप वही प्रक्रिया दोनों पैरों को जोड़ करके एक तरफ नीचे ले जा करके लगाएं, सांसों को धीरे से छोड़ें, गर्दन अपोजिट साइड में धीरे से ऊपर ले आएँ, फिर सांस को लें और फिर दूसरी तरफ ले जाएं, ले जाने के बाद इसको धीरे धीरे फिर अपोजिट साइड में। इस प्रकार से क्रिया को कम से कम 10 बार आप करें, 10 काउंटिंग आप 3 बार 10 का आप सेट बना लें और 3 काउंटिंग इसको करें आप। पेट को और अगर कम करना चाहते हैं तो पाद संचालन आसन में ही आता है ये सब, तो धीरे धीरे अपने पैरों को आप सीधा कर लें, सीधा करने के बाद साइड में ले जाएं, थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज होती है, जिसके कमर में ज़्यादा समस्या है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि ऑपरेशन हो रखा है, पेट में ऑपरेशन हो रखा है, आपके रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का ज़्यादा इंजरी है, तो ऐसे लोगों को ये आसन करने से बचना चाहिए। इसको कम से कम 10 काउंटिंग कर लें। इन आसनों का इतना अच्छा और इफेक्ट, अच्छा प्रभाव है कि आप जितना आप करें उतना ही कम है,